नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेज टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल का जो एक प्रॉब्लम आती है, ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर लैपटॉप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हम कोई भी एमएस ऑफिस एक्सेल यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो हमारे एक्सेल में जो हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड से या हमारे कीपैड से हम जब उसको स्क्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं तो वो जो सेलेक्ट सेल होता है वो वहाँ पे फ्रीज नहीं होता है। मीन के वो ऊपर की, अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है, अगर हम साइड में करते हैं तो वो साइड में चला जाता है। तो इसको रिजॉल्व करना कैसे है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। पहले यहाँ पर सपोज़ मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया, अब मैं डाउन एरो प्रेस करूँ तो वो क्या है, जो डाउन एरो प्रेस करने के बाद वो ऊपर या राइट की तरफ या कहीं भी आप डाउन राइट आप कुछ भी करेंगे तो वो जो सेलेक्ट किया हुआ सेल है वो ऊपर या नीचे की तरफ चला जाएगा। मीन के वो आपकी स्क्रीन पे नहीं शो करेगा। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रिजॉल्व करना है। जस्ट वेट। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है स्क्रोल लॉक के कारण। यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ कि ये स्क्रोल लॉक की शो सिंबल शो कर रहा है। मेन के जो आपके कीबोर्ड पे है वो स्क्रोल ऑन जो ऑन है वो हो चुका है। तो इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, इसको आप अपने सिस्टम पे की जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसको ओपन कर लीजिए। अगर विंडो 10 है तो यहाँ पर सर्च करके आपके आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आपने इसको ओपन करना है। अगर यहाँ से नहीं तो आप स्टार्ट में जाइए और प्रोग्राम में जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखिए आपके सामने कीबोर्ड ओपन हुआ है, अब स्क्रोल लॉक के जो वो अनेबल है तो आपने जो स्क्वायर ऑफ़ करना है, डिसेबल करना है, आपने इसको टिक कर दीजिए। जैसे आपको यहाँ से ऑप्शन हट चुकी है, अब आप राइट एरो डाउन एरो कुछ भी प्रेस करिए। जैसे ये देखिए मैंने करा, अब मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो ये जो हमारा सेलेक्ट सेल है वो हमारी स्क्रीन पे ही शो करता जाएगा, वो ऊपर या नीचे राइट या लेफ्ट कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व ऐसे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।